नमस्कार विद्यार्थियों, आरसीसी की लेक्चर सीरीज़ में मैं आपके सामने अब सिंगल इनफोर्स बीम का डिज़ाइन का एक क्वेश्चन लेके आया हूं। मेरा नाम शिवदया सिंह राठौड़ है, लेक्चरर सिविल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। तो आइए अब हम सिंगल इनफोर्स बीम के डिज़ाइन का क्वेश्चन देखते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, यदि किसी सिंपली सपोर्टेड बीम का साइज़ 400 × 700 mm है, जहाँ 400 होगी बीम की विड्थ और 700 उसकी टोटल डेप्थ, ठीक है, तथा लाइव लोड दे रखा है उस पर 20 kN/m और बीम का इफेक्टिव स्पान है 7.5 meters। हमें गणना करनी है एरिया ऑफ स्टील की, यानी हमें रेनफोर्समेंट की गणना करनी है, यानी कि हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि यदि बीम में एनफोर्समेंट का इफेक्टिव कवर कितना दे रखा है, 50 mm, तो इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगी, टोटल डेप्थ में से माइनस करेंगे हम इफेक्टिव कवर, जो हो जाएगा स्मॉल डी, यानी कि 650 mm, ठीक है। तो साथ ही दिया गया है M25 कॉन्क्रीट और Fe 415 स्टील यूज़ की गई है, लिमिट स्टेट मेथड का यूज़ करके हमको डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो डिज़ाइन से पहले हम क्या करेंगे, बीम का डायग्राम बना लेंगे। देखिए, बीम की विड्थ है 400 और डेप्थ 650 इफेक्टिव, FCK 25 N/mm² और Fi 415 N/mm². स्टेप नंबर वन, देखिए पहले स्टेप हम करेंगे लोड की गणना। ध्यान से देखिए लोड की गणना, देखो लोड की गणना में हमको क्वेश्चन में दे रखा है लाइव लोड 20 kN/m, ठीक है, और डेड लोड। डेड लोड क्या होता है, बीम की टोटल विड्थ, टोटल डेप्थ 1 m² पर निकालते हैं × 25 है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, तो आंसर हुआ हमारा 7 kN/m डेड लोड। टोटल लोड लाइव प्लस डेड 27 kN/m। तो डिज़ाइन लोड क्या होगा, 1.5 क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड, लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लोड फैक्टर है, सॉरी ये क्या है, लोड फैक्टर लगाते हैं हम लिमिट स्टेट मेथड में, तो 40.5 kN/m, ठीक है। स्टेप सेकंड होगा हमारा बेंडिंग मोमेंट की गणना, क्योंकि बीम क्या, देखो सिंपली सपोर्ट है और इस यूडी लोड लग रहा है 40.5 kN/m, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, W² / 8, ये रहा W² / 8, 40.5 × 7.5² / 8, हमारा बेंडिंग मोमेंट आया 284.76 kN/m, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की इकाई होती है kN/m, इसको सही कर लेते हैं, हम साफ कर लेते हैं, योगा किलो न्यूटन इनटू मीटर, ध्यान रखना इसको किलोमीटर इनटू मीटर में, ठीक है। स्टेप वन हो गया लोड, सेकंड हो गया बेंडिंग मोमेंट, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखिए स्टेप थ्री, यहाँ पे हम चूंकि देखो मैंने आपको पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डिज़ाइन के लिए हम लेते हैं लिमिटिंग सेक्शन, तो चूँकि डिज़ाइन हेतु लेते हैं लिमिटिंग सेक्शन, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मान होगा 0.138 FCK BD², ये Fe 415 के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि लिमिटिंग के लिए जो अपना होता है मोमेंट वो होता है 0.36 FCK XU lim, है ना, × B × D − 0.42 XU lim। XU लिमिटिंग की वैल्यू रखते हुए यहाँ पे वैल्यू सारी पुट करते हैं ना, तो 0.138 FCK BD² आता है। ये वैल्यू मैंने आपको पहले भी लेक्चर वन में बता चुका हूँ कि वैल्यू आई कैसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट फिर MR 0.138, FCK 25, 400 × 650 square, MRI हमारा 583.05 kN/m, ठीक है। आगे देखेंगे, देखो चूंकि जो हमारा MR है लिमिटिंग वैल्यू, ये आई है बेंडिंग मोमेंट से कम, अतः सेक्शन क्या है, अंडर इन्फोर्स। अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती तो सेक्शन होता ओवर इन्फोर्स, तो उस कंडीशन में हम डिज़ाइन करते डब्ल्यू बीम के लिए, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर फोर आया है, हमें हम निकालना है एरिया ऑफ स्टील, क्योंकि हमारा सेक्शन अंडर इन्फोर्स्ड, तो अंडर इन्फोर्स के लिए एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट निकालने के लिए आईस्क्वाड में सूत्र दिया हुआ है, इस सूत्र का हम उपयोग करते हुए AST का मान निकाल लेंगे। जहाँ पे ध्यान रखना, जहाँ पे जो इस सूत्र में आपको दिख रहा होगा MU हमारा बेंडिंग मोमेंट ही, क्योंकि लिमिटिंग सेक्शन के अंडर इन्फोर्स है, तो लिमिटिंग ना लेते हुए हम अंडर वाली वैल्यू लेंगे, तो 284 लिया हमने, ठीक है। इसके अलावा एक तरीका और भी है निकालने का, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए पहले आप XU का मान निकाल सकते हैं। XU का मान निकालने के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट बराबर MR करना पड़ेगा, उसे आप XU निकाल लेंगे, और XU निकालने के बाद आप सीधा ही
0.875 AST D-0.42 XU सूत्र यूज़ करके आप कर सकते हैं भाई। एक मेथड और भी अगर आप करना चाहें तो वैसे आप कर सकते हैं, मेथड सेकंड क्या करो, पहले आप बेंडी मूवमेंट को बराबर कर लो MR करके, यहाँ से आप क्या निकालो XU, देन आप बेंडी मूवमेंट का जो फॉर्मूला है 0.875 AST D-0.42 XU ये यूज़ करके आप भी सीधा XU रख के आप बेंडी मूवमेंट रख के AST का मान यहाँ से निकाल सकते हो। ये वैल्यू और ये वैल्यू आसपास ही आएगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, IS कोड बोलता है कि जो AST का मान है, हमने AST निकाला है वो सही है या नहीं, उसके लिए दो कंडीशन दे रखी है। मिनिमम AST का मान 0.85 BD/FY, ये आया 532.53 mm², और मैक्सिमम AST 4% ऑफ ग्रॉस एरिया यानी 0.04 × B × D, ये हमारा 11,200 mm². अतः देखो हमारा है 1,326.30 mm², जो कि 532.53 mm² से बड़ा है और 11,200 mm² से छोटा है, अतः हमारा AST क्या है, सेफ है, ठीक है। तो इससे हम इसका डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि क्वेश्चन में AST के बारे में पूछा था, हमने इसलिए हमने AST निकाला है। आगे भी हम करना चाहें तो AST में AST का वैल्यू लेते हुए कोई भी डायमीटर की बार मानते हुए नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको, इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है। RCC का डिज़ाइन है सिंगल रिइंफोर्स बीम। थैंक यू।